तो जैसे कि आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा कि मेरे पीछे कर्टेन पूरा का पूरा लगा हुआ है, पूरी वॉल के ऊपर कर्टेन लगा हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो आज हम देखेंगे डिटेल में कि कर्टेन की हाइट क्या होनी चाहिए, हमें कितने कर्टेन लगाने चाहिए एक रो के अंदर, और क्या इसका साइज होना चाहिए और क्या प्राइस है। इस वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल में देखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं हूँ आर्किटेक्ट सुमन शुक्ला, और मैं इस चैनल के अंदर लेके आती हूँ इंटीरियर रिलेटेड वीडियोज। आप कैसे अपने घर को डेकोर कर सकते हैं और होम डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियो लाती हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि कर्टेन यहाँ पे विजुअल हो रखा है। एक चीज़ आप देखिए कि जब कर्टेन हमारे एक साथ काफ़ी सारे लगे होते हैं, लाइक चार पांच कर्टेन अगर एक ही रो में होते हैं तो आपको देखने में देखिए अच्छा लग रहा होगा। वही इस केस में जैसे मैंने ये वाला कर्टेन डिस्प्ले किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर ये कर्टेन इस तरीके से लगा हो, देखिए खाली सिंगल पीस ऐसे लगा हो, जिस तरीके से ये वाला आपको दिख रहा है, इस तरीके से लगा हो तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। जब तक वो कुछ ज़्यादा कर्टेन नहीं लगे होते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी, जब भी आप कर्टेन घर पे लगा रहे हैं तो एटलीस्ट तीन चार पीसेस लगाइए जिससे वो देखने में अच्छे लगे। विंडो के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी विंडो का साइज़ बड़ा है तो उसमें आप देख लीजिए कि दो कर्टेन लग रहे हैं या चार कर्टेन लग रहे हैं या तीन कर्टेन लग रहे हैं, लेकिन देख के दो तीन कर्टेन लगा के ट्राई कर लीजिए, उसके हिसाब से आप कर्टेन को बाय करिए। क्योंकि सिंगल जब भी लगाएंगे तो घर में कोई भी आएगा उसे देखने में ये लुक आएगा, इस लुक में और इस लुक में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा लगता है। अब एक चीज़ और याद रखिए, जो कर्टेन है इसको आप चाहे तो सिंगल किसी भी पैटर्न का खरीद सकते हैं। लाइक जैसे कि ये पैटर्न है, मान लीजिए मैंने ये खरीद लिया, पर आप कॉम्बो भी बना सकते हैं। कॉम्बो पैटर्न में कैसा चलता है कि एक तो आपका कर्टेन जो होगा जिसमें कुछ प्रिंट होगा, कुछ डेकोरेशन होगी, और एक कर्टेन ऐसा होगा जो प्लेन होगा। इस तरीके के कर्टेन के साथ आप कॉम्बो भी बना सकते हैं, तो ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए जैसे कि अभी ग्रीन वाला है, वीडियो में इतना अच्छा विजिबल नहीं हो रहा है, पर आपको दिखेगा कि एक ये ग्रीन पे हमारा फ्लावर बना हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और ऐसे में ही ये वाला प्लेन है, तो ये दो का कॉम्बे बना के लगाया जाता है घरों के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। इसी तरीके का ये पैटर्न है, इस तरीके का फ्लावर, आजकल ये पैटर्न काफ़ी चल रहे हैं और अब आजकल ये कॉम्बिनेशंस चलने लगे हैं। पहले क्या होता था, आप अलग अलग पैटर्न के कर्टन ला के लगा दो या सिमिलर पैटर्न के कर्टन इंसान टांगता था, आजकल कॉम्बिनेशन डालता है। इसी में एक जाली वाला कर्टन भी आता है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम वो भी दिखाऊंगी कि जाली वाले कर्टन कैसे आते हैं। अभी डिस्प्ले में यहाँ पे है नहीं, तो ये लगा सकते हैं। और ये जो कर्टेन है इसका प्राइस भी कुछ नहीं है, ये 450 रुपये का एक पर्दा पड़ेगा आपको, और ये बहुत अच्छा है। इसके कपड़े क्वालिटी आप देखेंगे बहुत अच्छी है, काफ़ी थिक है। पीछे भी देखिए, कर्टेन को हमेशा देख लिया करिए कि किस तरीके का कपड़ा है। अगर कपड़ा अच्छा है तो काफ़ी दिन चलेगा, और ये वॉशेबल है, मतलब वॉशेबल इन द सेंस, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि जिनको वॉश कर दिया तुरंत उनका मटेरियल ख़राब हो गया और सुकुड़ गया, वो बाद में लगाने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसको वॉश करेंगे, आयरन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बहुत सारे लोग आयरन करके भी लगाते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कर्टेन का हाइट कैसे देखना चाहिए। एक तो देखिए, अगर आपके घर में विंडो आपकी विंडो है और आप उस पर कर्टेन लगाने जा रहे हैं और उसके साथ में लाइक बेड नहीं लगा हुआ है या कोई फर्नीचर नहीं लगा हुआ है, तो उस केस में आप क्या करो, जैसे ये 7 फीट की हाइट पर लगा है ना, इस केस इतनी हाइट में मत लगाइए, इसको ऊपर से लेके आप लेके आइए लगभग 9 फीट की हाइट। 9 फीट के मतलब ग्राउंड तक आपके जो भी है वहाँ तक छू रहा हो। 9 फीट के कर्टेन देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, 7 फीट के भी अच्छे लगते हैं, डिपेंड अपॉन एरियाज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस जगह पे आप इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। कर्टेन लगाने में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको कलर पैटर्न चूज़ करना आना चाहिए। लाइक अब आपका घर का रूम का स्पेस छोटा है, अब वहाँ पे आप बिल्कुल डार्क लाइक इस कलर के पर्दे आप लगाते हैं, खाली बिल्कुल डार्क डार्क कलर के पर्दे लगा देते हैं, लाइक इस तरीके का कोई पैटर्न लगा देते हैं, तो ये आपका रूम को विजुअल जो देगा ना, छोटा इफेक्ट देगा, आपका रूम देखने में ऑलरेडी छोटा लगने लगेगा। वही इनकेस जब भी आपका रूम बड़ा है उस जगह पे आप ऐसे डार्क कर्टेन लगाएंगे तो ये देखने में अच्छे लगेंगे, पर अगर छोटा है तो ये नहीं अच्छे लगेंगे। छोटे रूम में आप क्या करो, जैसे कि लाइट पैटर्न वाले हैं, कितना सुंदर लग रहा है, सिंपल पैटर्न का पर्दा है, देखने में भी एलिगेंस वाला लग रहा है। इस तरीके के सिंपल पर्दे जिसमें ज़्यादा चटक मटक ना हो, अगर अपनी लैंग्वेज में बोले ज़्यादा डार्क ना हो, इस तरीके के पर्दे आप लगाइए तो ये देखने में अच्छे लगेंगे। कोई भी कलर हो, बट डिसेंट कलर हो, सिंपल कलर हो, बट रेड हो गया, ब्लू हो गया, कुछ ऐसे कलर होते हैं जो स्पेसिफिकली डार्क होते हैं, उस पर मत जाइए। उसके भी अगर लेना है, अगर आपको मान लो पसंद ही है रेड कलर, तो रेड का बिल्कुल लाइट शेड जो आता है ना, उस तरीके का कर्टन लगाइए तो आपका रूम बड़ा दिखेगा। वही अगर आप छोटा रूम में अगर लाल भर दोगे तो नहीं अच्छा लगेगा।
तो इस तरीके से आपको कर्टन देखना है। अब कर्टन लगाने के दो चार तरीके होते हैं, जैसे कि एक तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे इन्होंने रोड के ऊपर लगाया हुआ है, इसमें ये आपकी SS की पाइप है, इसी में आपका वुडन का भी आता है, और बहुत सारी जगहों पे क्या होता है इसके ऊपर एक पेलमेट होता है, इस तरीके से कवर करा होता है, पेलमेट कवर करा होता है, उसके अंदर रोड चली जाती है, तो जिसकी वजह से आपके कर्टन रोड नहीं नज़र आती, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अगर आपके पास आप फॉल सीलिंग बना रहे हैं तो आप अपने आर्किटेक्ट से या डिज़ाइनर से ये कह सकते हैं कि मुझे पेलमेट बना के दें जिससे मेरा रॉड ना नज़र आए। और पेलमेट में भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको सिंगल रॉड लगी हुई है, तो आजकल काफ़ी डिज़ाइन चल रहा है कि आप दो रॉड लगा सकते हैं, पतली वाली, एक इसके जस्ट पीछे और एक ही आगे, तो जिसमें एक कर्टन आप आगे की तरफ टांगेंगे और कुछ कर्टन आप पीछे वाली रोड की तरफ टांगेंगे, तो देखने में बहुत डिसेंट लुक देता है, बहुत अच्छा लुक देता है। मैं आपको अभी फोटो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूँगी डबल रॉड वाले कर्टन की, तो भी अच्छा लगेगा देखने में। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कर्टन के डिटेलिंग के बारे में, कर्टन कैसे सिलेक्ट करना है, किस हाइट का लेना है, और कॉम्बो बनाने के लिए क्या ख्याल रखना है कलर पैटर्न के हिसाब से। प्राइजेस मैं आपको क्लियर कर दूं जो यहाँ डिस्प्ले में है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं नीचे नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, आप ले सकते हैं। ये वाले जितने भी कर्टन हैं जिसमें फ्लावर पैटर्न है और इसके कॉम्बिनेशन है, ये सारे 450 रुपये प्राइस के हैं। आप कॉल करेंगे तो हो सकता है ये प्राइस कम भी कर दें, बट जो मुझे पता है मैं बता देती हूँ 450 के हैं। और इधर वाले जो भी पैटर्न हैं ये आपको 250 और 300 की रेंज में मिलने वाले हैं, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मटेरियल है, आप कहीं भी मंगा सकते हैं, ये डिलीवरी भी देते हैं। हाँ, इसमें डिलीवरी चार्जेस आपके एक्स्ट्रा होंगे, ऑब्वियसली अगर आप दिल्ली NCR से बाहर हैं या दिल्ली NCR में भी हैं तो यहाँ से इंसान आपको सेंड करेगा, तो उसके वो चार्जेस सेंड के अलग लेगा, पर अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इस तरीके के कर्टन इनके पास से। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो कर्टन वाली, तो नेक्स्ट वीडियो आपको पता है मैं वॉलपेपर के ऊपर लेके आने वाली हूँ डिटेल में, जो आपको सस्ते में वॉलपेपर कहाँ से आप बाय कर सकते हैं, किस प्राइस रेंज से, जो कि 100, 200, 250 के रेंज से भी स्टार्ट होते हैं यहाँ पे वॉलपेपर, और बुक से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आने वाली है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तभी आपको वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।